सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। हर बार की तरह क्यों तबाही का वजह बन जाती है मुंबई की बारिश, आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है। इस साल मुंबई में भारी बारिश का ये तीसरा दौर है, यानी लगातार तीसरे महीने बारिश से तबाही हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अंदेशा जताया कि मुंबई और आसपास के इलाकों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की, क्योंकि सड़क, रेल और हवाई तीनों मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। अब सवाल यही आ रहा है कि इससे बचने के लिए सरकार द्वारा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। मुंबई में पानी भरने की सबसे बड़ी वजह पुराने ड्रेनेज सिस्टम है। मुंबई में पुरानी ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी निकासी का इंतजाम 20वीं सदी की शुरुआत में बना था और तब से इसमें कोई बड़ा काम नहीं हुआ। इसलिए 2005 में जब मुंबई में बाढ़ के हालात हुए थे तब भी यही सिस्टम विलेन साबित हुआ था। जानकारी के मुताबिक इस सिस्टम की क्षमता 25 मिलीमीटर पानी निकालने की है, जबकि भारी बारिश के समय जरूरत 993 मिलीमीटर प्रति घंटे की हो जाती है और इसका अंजाम यही होता है कि जगह जगह पानी भर जाता है। रोहित शर्मा के पास तीसरी T20 में इतिहास रचने का मौका है, आइए जानते हैं इस इतिहास के बारे में। तीसरी T20 में रोहित शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका है। मेजबान भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार को नागपुर में सीरीज का निर्णायक T20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें तीनों मैचों में एक एक से बराबर है। पहला T20 मैच बांग्लादेश के खाते में गया था तो दूसरा मैच भारत ने बड़ी जीत के साथ हासिल की, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की भूमिका ज्यादा रही। रोहित ने राजकोट T20 मैच में 43 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 85 रन जड़ दिए थे और अब उनके पास नागपुर में एक और इतिहास रचने का मौका है, जहां आज तक कोई भारतीय क्रिकेटर नहीं पहुंच पाया। दरअसल रोहित के अभी तक कुल 398 छक्के हो गए हैं और वह 400 के क्लब में शामिल होने से सिर्फ 2 छक्के दूर हैं। अगर नागपुर में भारत के सलामी बल्लेबाज ऐसा कर देते हैं तो वह 400 के क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। ऐसा क्या हुआ कि केबीसी 11 के अंदर कि जनता से अमिताभ बच्चन को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी, आइए एक नजर खास रिपोर्ट की ओर। कौन बनेगा करोड़पति 11 इन दिनों वे एक विवाद के कारण जबरदस्त सुर्खियों में है। ये विवाद जुड़ा है केबीसी 11 के एक सवाल से, जिसके ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आया था। वहीं इस ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम कुछ इस तरह लिखा था कि लोगों में गुस्सा आ गया। लोगों ने इसे अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर की तो मेकर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और मेकर्स ने इस पर पोस्ट जारी कर माफी मांगी। वहीं केबीसी के मेकर्स के बाद अमिताभ बच्चन ने भी माफी मांगी। केबीसी के निर्माता सिद्धार्थ बासु ने माफी मांगते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया। इसी पोस्ट को अमिताभ बच्चन ने शेयर किया और लिखा, अनादर का कोई इरादा नहीं था, अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। अमिताभ ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी शेयर किया। इस पोस्ट के साथ सवाल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया। अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट पर उन्हें ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया मिल रही हैं। अमिताभ बच्चन की विनम्रता की सभी ने तारीफ भी की। बता दें कि हुआ कुछ ऐसा कि 6 नवंबर वाले केबीसी 11 के एपिसोड में शाहिदा चंद्रन हॉट सीट पर बैठी थी। उन्होंने काफी अच्छा गेम खेला, लेकिन इसी एपिसोड में एक सवाल ऐसा था जिसके ऑप्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम था, उसमें उनका नाम सिर्फ शिवाजी लिखा हुआ था। लोग इसी बात पर नाराज हो गए, सभी ने इसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बताया और केबीसी 11 बंद करने की मांग भी की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।